close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दशहरा और आप सबको हैप्पी दशहरा। और हमारे कल्चर में दशहरा थोड़ा डिफरेंट मनाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेके। तो देखिए मैं हम लोग कैसे करेंगे। बट सबसे पहले मैं सुबह उठ के मंदिर की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि टाइम होता है, ये टीका लगाने का शुभ समय होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने मंदिर में टीका लगाया है। जिसमें मैं टीका लगा रही हूँ वो गाय का गोबर होना चाहिए, बट गाय का गोबर जल्दी से नहीं मिलता, इसलिए मैंने आटे के ऊपर टीका लगा के जो लगाया है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं पहली बार अकेले, मतलब अपने घर पे दशहरा मना रही हूँ। नहीं तो हम हमेशा मम्मी के पास, नहीं तो पापा के पास चले जाते हैं। ये भी अच्छा नया कुछ सीखने को मिल रहा है जब अकेले हैं हम लोग। और मैंने मंदिर की पूजा कर ली है और इसके बाद मैं गेट की पूजा करूँगी इसी तरह से। अब मैं जा रही हूँ गेट में। सैयायो गाँव घर रंगियो चौतरी माँ लिंगे पिंग माची, आहे चौतरी माँ लिंगे पिंग माची। मन्यो जन्ना आशीष संग शांति लियोस दसैले, नखेलो जो चढ़र राखे नखावे कसैले। और दशहरे में स्पेशल तो बनता ही है। और ये मैं अचार बना रही हूँ, आलू खीरा और ये मटर का, और बहुत ही टेस्टी है। ये रेसिपी तो आपने मेरे वीडियो में देखी ही होगी। और आज मैं चिकन भी बनाऊँगी। बहुत सारी रेसिपी है इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी करना है। बस मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या बनाया। ये मैं अब चिकन की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये दूसरी कढ़ाई में मैंने मटन चढ़ा दिया है और कुकर में दाल है। तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या बनाया है। मेरा खाना वाना बनने के बाद मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया और ख़ुद भी रेडी हो गई हूँ। और ये अब टीका लगाने के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। और इसमें टीका लगा के छोटों को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो देखिए कैसे प्रदीप टीका लगाएंगे। ये देखिए टीका, फ्रूट, ये सब देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है। साल में एक बार फेस्टिवल आता है और बहुत ही अच्छा, और हमारा तो ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। भाई भेटी ने आहे निधर मटी का जमरा सिर मा क्या रमरो देखी ने, दसई को बेला गांव घर मा जादा साथी भाई भेटी ने। सबसे पहले छोटों से शुरुआत करते हैं। और प्रदीप शानू को टीका लगा रहे हैं और इसके ऊपर गिर रहा है ना, तो वो झाड़ दिए, वो टीका जल्दी से लगाते नहीं है, लेकिन आज खुश भी है। और वो उसके कपड़ों में गिर रहा है ना, तो फिर वो हटा रही है।
आज के दिन ना फैमिली की बहुत याद आती है, क्योंकि त्यौहार में आप अकेले मना रहे हो तो फिर बहुत ही सूना सूना हो जाता है। और ये फेस्टिवल भी ऐसा है कि सबके साथ ही मनाने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ों का आशीर्वाद लेने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार कोई नहीं है तो मैं बच्चों को अब टीका लगा रही हूँ और प्रदीप इसके बाद मुझे लगाएंगे। और मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, सबकी बहुत आ रही है, छोटों की आ रही है, बड़ों की आ रही है। अब क्या करें, कोरोना ने ऐसा कर दिया है कि अकेले ही फेस्टिवल मनाओ, तो इसलिए अकेले ही कर रहे हैं हम लोग सब कुछ। तो चलिए देखते हैं, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होता है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो सब अच्छे से मना रहे हैं, सभी लोग इसी तरह मना रहे हैं, मैं बस नहीं मना रही। और छोटे बच्चों को तो इसमें बहुत ही मज़ा आता है टीका लगवाने में, क्योंकि टीका लगाने के बाद बड़े लोग उनको पैसे देते हैं, तो फिर वो डबल इन्जॉय करते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं, तो ये लोग भी बहुत अच्छे से खुश हैं, क्योंकि हम लोग भी छोटे में टीका लगाते थे तो हमें भी पैसे मिलते थे, तो हमें बहुत खुशी मिलती थी, इसीलिए ये लोग भी खुश हैं। बड़ों का आशीर्वाद, हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, अभी तो इनको मतलब नहीं है आशीर्वाद किसे कहते हैं पता तो है नहीं, बट पैसे में ये लोग खुश हो जाते हैं। को आशीर्वाद दीना शरण मा पर्दा छौ हजुर हरे सुस्वास्थ्य को कामना करदा छौ दुर्गा देवी को आशीर्वाद दीना शरण मा पर्दा छौ पर्दा छौ हजुर हरु सुस्वास्थ्य को कामना करदा छौ दुर्गा देवी को आशीर्वाद लीना शरण मा पर्दा छौ। प्रदीप को टीका लगाने वाला कोई नहीं था तो दाई आए हुए थे, तो दाई ने टीका लगाया, दाई मतलब बड़े भाई, उन्होंने टीका लगाया प्रदीप को, तो प्रदीप भी खुश हो गए, सारे खुश हैं। मेरा सारा खाना बन गया है और मैं आपको दिखाती हूँ। दाल, चिकन और ये है राइस, पनीर और ये है मटन। और बिजी की वजह से ज्यादा देवी को आशीर्वाद लीना शरण मा पर्दा छौ हजुर हरु सुस्वास्थ्य को कामना करदा छौ दुर्गा देवी को आशीर्वाद लीना शरण मा पर्दा छौ।